आपके कई और रूप हैं, क्या मेरे कई और रूप हैं? मेरा दूसरा वर्जन भले ही आइडेंटिकल लगता हो, पर वो है नहीं। हमारी किस्मत बिल्कुल अलग हो सकती है। हम में से कोई एक दूसरे का डिसेंडेंट भी हो सकता है। हो सकता है कि हमारे मिलने पर हम दोनों इवेपोरेट होकर एनर्जी बन जाएं। हो सकता है कि हम एक से ज्यादा जिंदगी जी रहे हों, क्योंकि साइंटिस्ट जैसे जैसे फिजिक्स और ब्रह्मांड की गहराई में पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे वो भी मानने लगे हैं कि पैरेलल यूनिवर्सेस वाकई हैं। उनसे ही शायद इंसान की किस्मत का फैसला भी हो। जब मैं ग्रेड स्कूल में था तब इस लड़की का दीवाना था। वो मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं थी, मगर मैं ये सब बड़े मजाकिया अंदाज में जताता था। मेरा मन हमेशा यही कहता था कि काश मैं बिल्कुल अलग होता, कॉन्फिडेंस और चार्म से भरा हुआ। मैं चाहता था कि मैं उस मॉर्गन को ढूंढ निकालूं, वो चाहे जहां भी हो। MIT के कॉस्मोलॉजिस्ट मैक्स टेगमार्क मानते हैं कि मेरा या हम सबका वो दूसरा वर्जन वाकई है। उनका कहना है कि हमारे वो रूप उस ब्रह्मांड के पार रहते हैं जिसे हम जानते हैं। ब्रह्मांड किस चीज से बना है, इससे जुड़ी हमारी सबसे अहम थ्योरी तो यही कहती है कि वो सिर्फ बड़ा ही नहीं है बल्कि इन्फिनिट है और लगातार हर दिशा में बढ़ता ही जा रहा है। मैक्स मानते हैं कि ये बात स्टेटिस्टिक्स की है, मगर इनफाइनाइट ब्रह्मांड में भी अजीबोगरीब घटनाएं हो सकती हैं। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ तीन पत्थर लेता हूँ, इनसे एक पैटर्न बन रहा है, ऑरेंज व्हाइट और ब्लैक पत्थरों का। ये देखिए, ओ यहाँ भी ऑरेंज व्हाइट और ब्लैक पत्थर हैं। अगर मैं यहाँ एक ज्यादा बड़ा पैटर्न लूँ तो मुझे वैसा दूसरा पैटर्न ढूंढने में ज्यादा परेशानी होगी, मगर ये रिपीट हो रहा है। पृथ्वी भी पत्थरों का बहुत बड़ा ढेर है, जैसे हमारा शरीर एटम्स का एक विशाल ढेर है। वो एटम्स जिस तरह से स्पेस में अरेंज्ड है उससे ही तय होता है कि हम कौन और क्या है। पैटर्न जितना बड़ा होगा उसके लिए हमें उतनी ही ज्यादा दूर जाकर रिपीट ढूंढना पड़ेगा। जब मैं ये कहता हूँ कि एटम्स के पैटर्न्स रिपीट होते हैं तो मेरा मतलब है हर पैटर्न से, उनमें एटम्स का वो पैटर्न भी शामिल है जिसे मैं बना। मैक्स टेगमार्क, अगर मैं ढूंढता हुआ दूर जाता हूँ तो मुझे मेरी कॉपी मिल जाएगी, जो सिर्फ देखने में मेरी जैसी नहीं होगी बल्कि वो मेरी तरह फील भी करेगी। मैक्स ने अंदाजा लगाया कि कितने लाइट ईयर्स दूर जाने के बाद उन्हें एटम्स का वो पैटर्न मिलेगा जिससे वो बने हैं। उन लाइट ईयर्स की गिनती बहुत बड़ी है। मैंने देखा कि उस नंबर तक पहुंचने के लिए मुझे करोड़ों करोड़ जीरोस लगाने पड़ते हैं। ये नंबर यकीनन काफी बड़ा है, मगर अपने स्पेस के साइज को देखते हुए तो यही लगता है कि बात हमारे घर के पिछवाड़े की है। लेकिन कोई एक्सप्लोरर अपने कॉस्मिक क्लोन से मिलने के लिए इतने लंबे सफर पर जाने की हिम्मत एक ही शर्त पर दिखा सकता है। 1920 के दशक में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने देखा कि हमारा ब्रह्मांड एक जगह पर स्थिर नहीं है। वो जिस ओर भी देखते यही लगता कि ब्रह्मांड हमसे दूर बढ़ता जा रहा है। वो जितना भी दूर देखते उन गैलेक्सीज के बढ़ने की स्पीड उतनी ही तेज नजर आती। हबल ने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब पूरा ब्रह्मांड फैल रहा हो। अगर हम मान लें कि कंक्रीट का ये स्लैब एक दूर दराज की गैलेक्सी है और स्थिर है, तो मैं इसे मैसेज भेज सकता हूँ। मैं लाइट की स्पीड से इंटरगैलेक्टिक ईमेल्स भेज सकता हूँ, और अगर हम इंतजार करें तो वो वहाँ पहुँच ही जाएंगी। चूँकि ब्रह्मांड लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसे और रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें इसे चलाना पड़ेगा। ये दूर दराज की गैलेक्सी असल में मुझसे दूर जा रही है। हम खुद से जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं उतनी ही तेजी से यहाँ और यहाँ के बीच का स्पेस भी बढ़ता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो लाइट की स्पीड से बढ़ने लगता है। इसका मतलब है कि हम ना तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं ना ही उसके पार कुछ देख ही सकते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा ये कॉस्मिक होराइजन ही है, जो मुझे अपनी या अपने दोस्तों की कॉपीज के पास नहीं पहुँचने दे रहा। अगर वो मिल जाते तो कितना मजा आता। मगर एक जगह है जहाँ हम पैरेलल वर्ल्ड्स को देख सकते हैं, अपने ब्रह्मांड की गहराई में नहीं बल्कि माइक्रो कॉस्मोस में, अपनी नाक के नीचे जहां कुछ भी ठोस नहीं है।
फ्रैंक टिपलर क्वांटम मैकेनिक्स के अनोखे नियमों की स्टडी कर रहे हैं। इन नियमों से ही वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स चलते हैं जिनसे हम बने। थैंक यू एडम। ये अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिमाग को न्यू ऑर्लियंस शहर की सबसे अच्छी क्विजीन से पावर देते हैं। आज तो मेरा मन हो रहा है श्रोडिंगर स्पेशल खाने का। हर सच्चाई को क्वांटम मैकेनिक्स ने डिस्क्राइब किया है और क्वांटम मैकेनिक्स का सेंट्रल इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन। अर्विन श्रोडिंगर ने जब अपने नाम का इक्वेशन बनाया तब उन्होंने वो सच्चाई बताई जो हम जानते हैं। उन्होंने साबित किया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक ही वक्त पर कई जगहों पर हो सकते हैं। ये भी कहा कि एक ही वक्त पर एक ही जगह पर एक से ज्यादा पार्टिकल भी होते हैं। ये सब एटॉमिक वर्ड उस वक्त तक प्रोबेबिलिटीज की धुंध में छिपा रहता है जब तक कोई उसे उस वक्त नहीं देखता जब प्रोबेबिलिटीज सच्चाई से मिल जाती है। फ्रैंक मानते हैं कि यह क्वांटम फजीनेस सिर्फ माइक्रोस्कोपिक डोमेन में ही नहीं है बल्कि इसी तरह से हर चीज काम करती है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स जो भी कहता है वो कोरी बकवास है, मगर जो श्रोडिंगर इक्वेशन को देखता है वो यही मानता है कि ये तो हर चीज पर लागू होता है, सिर्फ एटम्स पर ही नहीं बल्कि इमारतों पर, उनमें लगे कांच पर और पूरे ब्रह्मांड पर भी। अगर फ्रैंक की बात सही है तो हर चीज उस वक्त स्किट्सोफ्रेनिक होती है जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता। वो अपने कई रूप में लगातार शिफ्ट होती रहती है। स्टील के इस ढक्कन के नीचे हर वो डिश है जो फ्रैंक मंगवा सकते हैं, मगर ढक्कन हटाने के बाद फ्रैंक जब उसे देखते हैं तब ही पता लगता है कि सच असल में क्या है। क्या बात है, ऑयस्टर्स। मगर सिर्फ यही डिश क्यों, कोई और क्यों नहीं? ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि फ्रैंक के ऑब्जर्वेशन की वजह से नेचर को अचानक ही एक फैसला लेना पड़ा। पलक झपकते ही हर पॉसिबल रियलिटी बदल गई, मगर फ्रैंक मानते हैं कि उनका यह अंदाजा सही नहीं है। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जब हम कोई मेजरमेंट लेते हैं उस वक्त कई ऐसे पॉसिबल यूनिवर्सेस भी होते हैं जो एक असली ब्रह्मांड में चले आते हैं, मगर ये बात क्वांटम मैकेनिक्स के मैथमेटिक्स के लिहाज से सही नहीं है। फ्रैंक मानते हैं कि हर मुमकिन नतीजा अपने पैरेलल यूनिवर्स में एक सच्चाई बन जाता है। इस ब्रह्मांड में तो फ्रैंक ऑयस्टर्स खा रहे हैं, मगर किसी और में ये कबाब खा रहे होंगे, तो किसी तीसरे में श्रिम्प जंबालाया। हम ये बात तो शुरू से जानते थे कि असल में कई ब्रह्मांड हैं, मगर फिजिसिस्ट्स अपने ही इक्वेशंस पर यकीन नहीं करते हैं। अगर फ्रैंक की बात सही है तो आप जिस स्पेस में रहते हैं वहां आपकी आइडेंटिकल कॉपीज का एक इनफाइनाइट समंदर होगा। अगर आपके साथ कुछ होता है तो उसका ठीक उल्टा आपके उन छिपे हुए ट्विंस में से किसी एक के साथ हो सकता है, मगर वो देर तक छिपे नहीं रह सकते। इस सिलिकॉन चिप पर एक छोटी सी चीज रखी है जो एक ही वक्त पर दो जगहों पर सच हो सकती है। पहली बार इस साइंटिस्ट को एक पैरेलल यूनिवर्स की झलक दिखी है। जरूरी नहीं कि अल्टरनेट रियलिटीज ब्रह्मांड में कई लाइट ईयर्स दूर हो, वो हमारे ठीक सामने भी हो सकती हैं। अगर क्वांटम मैकेनिक्स के अनोखे नियम सही हैं तो मैं भी काउंटलेस ऑल्टर ईगोस का एक कलेक्शन हूं और वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें अंदर चल रही इस लड़ाई का पता ही नहीं लगता। किसी खास पल में हमारा सिर्फ एक ही सच होता है, बाकी सब हमें बिल्कुल नजर नहीं आते। या ऐसा नहीं है? फिजिसिस्ट फ्रैंक टिपलर मानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की यह बात सही है कि हमारे काउंटलेस वर्जन्स पैरेलल यूनिवर्सेस में मौजूद हैं। हम में से कई लोगों की तरह वो भी एक ऑल्टर ईगो के हवाई सपने देखते हैं। चलिए हम एक बार फिर से ब्रह्मांड की सैर पर चलते हैं। हमारे साथ हैं फियरलेस फ्रैंक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और कॉस्मिक एडवेंचर नट। इस हफ्ते फ्रैंक ने पता लगाया है क्वांटम पैरेलल यूनिवर्स का एक पोर्टल। फ्रैंक टिपलर मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी इस कार्टून जैसा ही है जिसे हम सच मान लेते हैं।
सामने से देखने पर कार्टून एक सिंगल ऑब्जेक्ट नजर आता है, मगर वो भी सेल से बना है। हम एक ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं, मगर सच तो ये है कि एक दूसरे पर जाने कितने ब्रह्मांड सुपर इम्पोज्ड हैं। एक नजर में आने वाली चीज एक ही वक्त पर कई जगहों पर हो सकती है। फ्रैंक के मुताबिक उनमें से हर एक अपने पैरेलल यूनिवर्स में सच बन जाती है। जब भी हम इनका मेजरमेंट लेते हैं तब हर फ्रैंक टिप्लर की तस्वीर एक खास रिजल्ट देती है। एक ब्रह्मांड में कोई चीज हमारे नजरिए से सिर्फ एक ही जगह पर दिख सकती है, और ऐसा लगता है कि हमारे इस ऑब्जर्वेशन की वजह से बाकी सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं, मगर जो दिखता है वो धोखा भी तो हो सकता है। हमें पॉसिबिलिटीज को सिर्फ पॉसिबिलिटीज की तरह नहीं देखना चाहिए। बाकी सच्चाइयाँ सिर्फ इसलिए नहीं खत्म हो जाती कि मैंने एक को अपने हाथ में पकड़ लिया है। वो यही है, उनका वजूद है। अगर हम एक बार में सारे ब्रह्मांडों को देख सकें तो फ्रैंक टिप्लर के अनगिनत रूपों का एक ही वक्त पर एक ही मेजरमेंट लेंगे। हर फ्रैंक उस चीज को थोड़ी अलग जगह पर देखेगा। ये छोटी छोटी बातें वक्त के साथ एम्पलीफाई होती हैं, जिससे पैरेलल वर्ल्ड्स में अलग अलग नतीजे होते हैं। एक ब्रह्मांड में एस्टेरॉयड पृथ्वी पर नहीं गिरता है और डायनासोर्स बचे रहते हैं। दूसरे में रॉकेट की नाकामी की वजह से अमेरिका चांद तक पहुंचने की रेस हार जाता है। लेकिन हमें यह कैसे पता लगेगा कि वो अल्टरनेट रियलिटीज वाकई हैं, क्योंकि वो तो उसी पल गायब हो जाती हैं जब हम उन्हें देखते हैं। फ्रैंक अकेले ही ये बात इतने कन्विक्शन से नहीं कह रहे। मैक्स डगमार्क ये साबित करना चाहते हैं कि अगर एक पार्टिकल एक वक्त पर दो जगहों पर हो सकता है तो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, भले ही वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उन पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जाने का मेरा एक मनपसंद तरीका है एक लेजर पॉइंटर चमकाना, क्योंकि जब लाइट बीम कांच से टकराती है तब वो उसके पार भी जाती है और बाउंस बैक भी करती है। ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट भी छोटे छोटे पार्टिकल्स फोटॉन से बनी होती है। अब वो फोटॉन ये कैसे पता लगाता है कि कांच से टकराने पर उसे उसके पार जाना है या वापस पलटना है? श्रोडिंगर इक्वेशन के मुताबिक मैक्स के लेजर पॉइंटर से निकला एक फोटॉन कांच के पार भी जाएगा और उससे टकराकर वापस भी लौटेगा। मतलब एक लाइट पार्टिकल यहाँ है और यहाँ भी है। अब करते हैं मुद्दे की बात। अगर लाइट पार्टिकल से एक वक्त पर दो जगहों पर हो सकते हैं तो मैं भी पार्टिकल से बना हूँ, और मेरे पार्टिकल्स भी दो जगहों पर हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। मैक्स मानते हैं कि दूसरे साइंटिस्ट की इस बात को सही नहीं मानने की जिद की असली वजह यह है कि वो बड़े लंबे समय से ये मान रहे हैं कि कुदरत को कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि कुदरत असल में कैसी है। ये बात बड़ी अजीब सी है कि एक चीज एक वक्त पर दो जगहों पर हो सकती है, मगर श्रोडिंगर इक्वेशन इस बात को प्रिडिक्ट भी करता है और हम उसे लैब में अपने एक्सपेरिमेंट से साबित भी कर सकते हैं। मेरे कुछ साथियों को ये बात सही नहीं लगती, मगर ब्रह्मांड इसी तरह काम करता है। आप भी जानते हैं कि एक साइंटिस्ट होने की वजह से मेरा काम ये नहीं कि ब्रह्मांड से कहूं कि मेरी जांची परखी राय के मुताबिक चले, बल्कि मेरा काम है ये देखना कि ब्रह्मांड क्या कर रहा है और उसे कबूल करना। हम शायद एक ही वक्त पर किसी चीज के दो जगहों पर होने के इन क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स को कभी देख नहीं पाए, क्योंकि हम हमेशा चीजों को मेजर करते रहते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स जब किसी चीज से टकराते हैं तो वो भी एक मेजरमेंट है। जब हम किसी चीज पर रोशनी करते हैं तो वो भी एक मेजरमेंट ही होता है। और हो सकता है कि कोई चीज टेबल पर रखी हो, वो टेबल उस चीज को धकेल रही है और वो भी एक मेजरमेंट ही है। एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट एंड्रयू क्लीलैंड शायद वो पहले शख्स हैं जिन्होंने एक पैरेलल यूनिवर्स की पहली झलक देखी। सिलिकॉन के इस छोटे से स्क्वायर के अंदर एंड्रयू ने एक ऐसा मेटल पैडल लगाया है जो नजर भी नहीं आ रहा। वो कई हजार करोड़ एटम से बना है। असल में ये क्वांटम वर्ल्ड का गॉडज़िला है, और ये हमें ये दिखाना चाहते हैं कि इतनी बड़ी चीज भी क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का पालन करती है।
हम ये तो जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स जैसी छोटी चीजों पर लागू होते हैं, मगर हमें ये मानने में बहुत परेशानी होती है कि वो बड़ी चीजों पर, हमारी रोजमर्रा की चीजों पर भी लागू होते हैं। मगर ये साबित करना कि ये भी क्वांटम मैकेनिकली बिहेव करेगा, इन्हें ध्यान रखना होगा कि कोई चीज इसे मेजर ना करे। इसे कंप्लीट आइसोलेशन में रखना होगा और बहुत ठंडा भी। ये इंस्ट्रूमेंट एक डिल्यूजन रेफ्रिजरेटर है और अगर आपके पास भी $15,00,000 हों तो आप इसे अपने घर में लगा सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में कई टेम्परेचर स्टेजेस हैं जो कि 1 केल्विन से 0.6 केल्विन तक और 0.1 केल्विन से 20 मिली केल्विन तक, यानी करीब -235 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। हम उसी तापमान पर क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इस डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर के अंदर एंड्रयू एनर्जी के एक क्वांटम को पैडल पर डालते हैं। इस बात की संभावना 50-50 है कि वो उस एनर्जी को लेगा या नहीं लेगा। मगर ये तो ये देखकर दंग रह गए कि पैडल ने एक ही वक्त पर एनर्जी को लिया भी और छोड़ भी दिया, और वो इन दो रियलिटीज के बीच घूमने लगा। पैडल उन दोनों स्थितियों में था जब उसे जरा भी एनर्जी नहीं मिल रही थी और एनर्जी की एक यूनिट भी मिल रही थी। उस स्थिति में, यानी जब वो इन दोनों स्थितियों में था, तब एक बार में करीब 600 करोड़ बार का वाइब्रेशन होता है। एंड्रयू के इस ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम हमारे ब्रह्मांड की हर चीज पर लागू होते हैं, चाहे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हों या फिर विशाल गैलेक्सीज। उनका साइज भले ही कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट्स एक ही वक्त पर कई जगहों पर हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि फिजिक्स कम्युनिटी के अंदर भी लोग इस बात को मानेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि ये बात उस छोटी सी कम्युनिटी के बाहर के लोग नहीं मानेंगे जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये बात चौंकाने वाली थी। इस बात को समझाने के लिए कई अलग अलग इंटरप्रिटेशंस किए गए, उनमें से ही एक है कई दुनिया या पैरेलल यूनिवर्सेस की राय, मगर उनसे कुछ भी साबित नहीं होता है। क्योंकि उनसे कुछ पता नहीं लगता, इसलिए हम उन्हें टेस्ट भी नहीं कर सकते। इस लिहाज से लोग अपनी मर्जी से कोई भी इंटरप्रिटेशन चुन सकते हैं। अगर क्वांटम पैरेलल यूनिवर्सेस वाकई हैं, तो एंड्रयू का एक्सपेरिमेंट उसके राज जानने की ओर पहला कदम होगा।